केस वारदात को अंजाम दिया गया था जिसके अंदर एक बंदे को गोली मार के मार दिया गया था और दूसरे को इंजर कर दिया गया था उसके गोली लगी। इसके ऊपर मुकदमा नंबर 98 पुलिस स्टेशन नकल के अंदर 302, 34, 341 और 25 आर्म्स एक्ट के अंदर लोकल पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। इसमें एक जो हमारी CIA की टीम थी मौके की सेंसिटिविटी को देखते हुए CIA 1 इंस्पेक्टर रजिंदर के नेतृत्व में उसको अटैच किया गया था और बड़े ही थोड़े टाइम के अंदर CIA 1 की टीम ने इस पूरी वारदात को सॉल्व किया। इसमें जो मुख्य आरोपी थे तो सूर्य प्रताप उर्फ सूर्य जो कि बम्बा थाना नकल का रहने वाला और रामकरण उर्फ करनी जो कि पकनौर थाना नकल का रहने वाला, इनको 23 जून को अरेस्ट किया गया था और इनका पुलिस रिमांड लिया गया था। और इसी तरीके से इनकी डिस्क्लोजर के अंदर बाकी जो एक्यूज थे उनका खुलासा हुआ था और 25 जून को अन्य दोषियों को भी गिरफ्तार किया गया था जिनकी डिटेल्स इस प्रकार से हैं। गुरदास सिंह उर्फ मट्टू जो कि शिव मंदिर पकनौर का रहने वाला, जसबीर सिंह उर्फ जस्सी और अमनदीप सिंह उर्फ अमन जो कि मैकला थाना नकल का रहने वाला और साहिल उर्फ शंटी जो कि पकनौर का रहने वाला और मुनीश कुमार उर्फ अमन पंडित जो कि रातली सदर अम्बाला का रहने वाला। और इनके अलावा एक इनका और जुवेनाइल साथी था जिसको भी एज पर लॉ उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इसके अंदर जो मेन इनकी पूछताछ में सामने आया इनके पुलिस रिमांड के दौरान, इनकी काफ़ी टाइम से आपस में दोनों पक्षों की रंजिश चल रही थी और उसी के नतीजा ये इन्होंने ये मर्डर कमिट किया। इसमें जो मेन जो एक्यूज़ हैं वो ये सूर्य और करनी है और जो सूर्य है उसके ऊपर पहले भी उसके खिलाफ केसेस दर्ज हैं और ये 210 नंबर FIR इसी साल की जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर और एक्सटॉर्शन डिमांड करने की FIR है सिविल लाइंस करनाल की, उसके अंदर भी ये वांटेड है। और ये जो लवप्रीत नाम का एक एक्यूज है उसके संपर्क में है जो कि विदेश में सेटल्ड है। इसमें पुलिस द्वारा जो उन्होंने हथियार इस्तेमाल किया था एक देसी पिस्टल उसको रिकवर किया गया और जो वाहन का इस्तेमाल किया गया था जो मोटरसाइकिल था वो भी बरामद किया गया और साथ में इनके मोबाइल्स पुलिस द्वारा बरामद किए गए। आज इनको कोर्ट के अंदर पेश करके इनको न्यायिक हिरासत के अंदर भेजा जाएगा। दूसरा हमारा कुछ पिछले दिनों के अंदर नकल के अंदर काफ़ी गृह वेतन की घटनाओं को अंजाम दिया गया था और इसके अंदर भी हमारे क्लोज सुपरविजन के अंदर ASP अम्बाला मैडम सृष्टि और CIA 1 की और SHO नकल की टीम काम कर रही थी और जो मेन गैंग इसमें संलिप्त था उसको न्यूट्रलाइज करने में हमारी टीम ने कामयाबी हासिल की है। इसमें जो मेन मुकदमा था 87 नंबर FIR 9 जून इसी साल 2024 के अंदर 459 IPC के अंदर दर्ज की गई थी जिसके अंदर एक शिकायतकर्ता मनप्रीत सिंह जो कि अलीपुर रोड इंद्री कॉलोनी ननियोला का रहने वाला है उसने बताया था कि उसे और उसके पिता के ऊपर जानलेवा हमला करके और घर के अंदर चोरी की गई थी। और इसके अलावा भी उसी टाइम के अंदर नकल और पंजाब साइड के ऊपर कुछ गांव के अंदर भी इस टाइप की वारदातों को अंजाम दिया गया था। इसके अंदर पूरा जो पूरी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन साइबर मोबाइल हर चीज़ को पहलू को स्टडी करते हुए हमारी CIA 1 की टीम इंस्पेक्टर हरजिंदर के नेतृत्व में इन्होंने जो मेन ये जो
विरोध था उसका पर्दाफाश किया। और इसके अंदर जो मेन आरोपी था गुलाब सिंह पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जो कि मंजौली थाना गन्नौर जिला पटियाला का रहने वाला, उसको और उसके अन्य पांच साथियों को गिरफ्तार किया। उसके जो साथी हैं उनकी डिटेल्स इसी प्रकार से हैं। मोहित चौहान ये हरी माजरा थाना गन्नौर पटियाला का रहने वाला है। हरी मोहन सिंह उर्फ जैलदार ये भी हरी माजरा थाना गन्नौर का रहने वाला है। रोहित कुमार और पुत्र बिंदर ये भी वाल्मीकि मोहल्ला और थाना गन्नौर पटियाला का रहने वाला है। बंटी राम जो कि कन्नौरी खेड़ा गांव गन्नौर पुलिस स्टेशन के अंदर का आता है पटियाला ज़िले में, वहां का रहने वाला है। और एक साथी इनका प्रवीण जो कि वो भी कन्नौरी खेड़ा गांव और थाना गन्नौर पटियाला का रहने वाला है। ये छः जो मेन दोषी थे हमने गिरफ्तार किए और इनकी पुलिस रिमांड लेके इनसे विस्तार से जब पूछताछ की गई तो इनके कुछ अन्य साथियों का नाम भी हमारे सामने आया जिनकी अभी अभी हमारे जो अरेस्ट करने की एफर्ट्स हैं वो चल रही हैं। और जो इन लोगों ने बताया कि इस वारदात के अलावा भी इन्होंने इस क्षेत्र के अंदर चार अन्य वारदातों को हाल ही के अंदर अंजाम दिया, जिसमें एक 88 पर FIR थी जो कि 9 जून को नगर के अंदर दर्ज हुई थी। ये भी एक गृह विभुत की वारदात थी। इसी प्रकार से ये 63 नंबर FIR जो कि थाना नगर के अंदर 11 मई को दर्ज हुई थी गृह विभुत की, ये भी इन्हीं इसी गैंग द्वारा अंजाम दिया गया था। और एक 34 नंबर FIR ये गंडाखेड़ी गाँव है थाना है पटियाला के अंदर, वहाँ पे भी इन्होंने एक 34 नंबर FIR 12 जून 2024 को गृह विरोधी घटना को अंजाम दिया था। और एक इन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इनके ऊपर झुलका थाना पटियाला के अंदर भी इनके ऊपर दर्ज है। और ये सारे इन केसेस के अंदर अभी इनकी अरेस्ट पेंडिंग है। और इन लोगों से पुलिस की पुलिस रिमांड के दौरान जो ये हथियार इन्होंने इस्तेमाल किया था जो चाकू और खुकरी इन्होंने इस्तेमाल की थी वो रिकवर की है। डंडे और इनके जो मोटरसाइकिल ये इस्तेमाल करते थे वो भी इनके रिकवर की है। तो इस तरीके से ये जो एक बड़ा गिरोह पिछले जून के महीने के अंदर जिन्होंने मल्टीपल वारदातों को अंजाम दिया था उसको पकड़ने के अंदर अम्बाला पुलिस ने कामयाबी हासिल